औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है सब स्टूडेंट्स को कि स्कूल्स में समर वेकेशन की पूरी तरह से हो चुकी है, तो लिहाजा हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, लेक्चर का सिस्टम शुरू किया है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का लेक्चर होगा, जिसमें 6th क्लास का कंप्यूटर इंक्लूड होगा, 7th का कंप्यूटर इंक्लूड होगा, और pre-9th का कंप्यूटर इंक्लूड होगा, और 9th क्लास का कंप्यूटर इंक्लूड होगा। और जो क्लास प्री 9 और 9 क्लास है, इनकी जो कंप्यूटर की बुक है वो टोटल चेंज हो चुकी है। लिहाजा हम लोग ये जो न्यू बुक है इनमें से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जी अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास अब लेक्चर स्टार्ट है क्लास 7 क्लास का जो कंप्यूटर है उसका आज हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में ये देखिए जो आप लोगों को स्कूल की तरफ से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोगों ने करना है उसको अच्छी तरह से याद करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अगर हम समझ ना आए किसी भी क्वेश्चंस की तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है। ओके चलिए आइए अब हम अपना शुरू करते हैं 7th क्लास का कंप्यूटर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम पढ़ने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों को स्कूल की तरफ से नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्टवेयर। जी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए जी स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर पे कोई ना कोई वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस कंप्यूटर के पीछे क्या चल रहा होता है? प्रोग्राम चल रहा होता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर पे कोई ना कोई वर्किंग कार्य करते हैं, गेम रिसर्च करें, तो हमारे कंप्यूटर किसके काम करता है? प्रोग्राम पे। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम कहते हैं, ये क्या चीज कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स ओपन कीजिएगा, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है डिफाइंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो हमारे लिए कंप्यूटर पे कोई ना कोई काम करे, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो फर्स्ट को रीड कर रहे हैं और अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सब लोग अपने अपने नोट्स से इसको रीड कर लें, डिफाइंड सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन को। जी रीड कर लिया सबने डिफाइंड सॉफ्टवेयर। जी उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज यूनिटी प्रोग्राम। ये स्टूडेंट यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर के सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो ये डायरेक्ट प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पूरे पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं और उसे चलने में हेल्प करते हैं। चलिए नोट्स ओपन कीजिएगा। व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम? यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूजर टू एनालाइज, कॉन्फिगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर। कि हम पूरे के पूरे कंप्यूटर को कॉन्फिगर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ये भी आपको एक दफा रीड कर लीजिएगा। जी उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है रोज के, अच्छा मैं आप लोगों को यहां पे एक और बात बताता चलूं स्टूडेंट्स को कि यहां पे रोज 3 क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन को समझना है, जिस चीज की समझ ना आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी थर्ड इसमें क्वेश्चन है डिफाइंड फाइल मैनेजर। जी डिफाइंड फाइल मैनेजर, अब देखिए फाइल मैनेजर क्या होता है। अब देखिए हम लोग कंप्यूटर पे जब कोई ना कोई काम करते हैं, तो जाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्किंग करते हैं उसमें से सेव भी करते हैं उसको, चीज को अपने कॉपी पेस्ट भी करते हैं, फाइल को मूव भी करवाते हैं, फाइल को डिलीट भी करवाते हैं। ये सारे का सारा काम किस चीज का होता है? ये सारे का सारा काम कंप्यूटर के अंदर एक चीज होती है, इसको कहते हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का काम ये होता है कि हम अपनी फाइलों को डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, मूव भी करवा सकते हैं। अपने नोट्स आप लोग ओपन कीजिएगा। डिफाइंड फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर टू लोकेट,
रीनेम मूव कॉपी एंड डिलीट द फाइल ठीक है। यहां तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तीन क्वेश्चन को याद करना है और इसको अच्छी तरह से आपने याद करके लिखना है और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने किस किस ने लिखा है किस किस ने इसको अच्छी तरह समझा है ठीक है। दोबारा सुन लीजिए तीन क्वेश्चन आज लिख दिए हैं। डिफाइंड सॉफ्टवेयर है व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम का डिफाइंड फाइल मैनेजर ये तीनों के तीनों आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है और ये है क्लास 7 क्लास का ये हम कंप्यूटर पार्ट में है। You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words.